वही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले अपने कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर गौरव वल्लभ ने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी हैं। बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भगवान राम मंदिर बने और न्योता मिले और हम न्योते को ठुकरा दें। कांग्रेस पार्टी यह लिखकर दे कि हम नहीं जा सकते, मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता हूं। इससे पहले उन्होंने गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से सुबह इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स की आलोचना कर सकता हूँ। दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा।